यहाँ कोई है अल्लाह का बंदा जो मेरी मदद कर सके? अरे बाबा जी, मेरे पास खुद पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ? नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं नबीना काफ़ी देर से प्यासा बैठा हूँ, मुझे पानी तो पिला दो। पानी? अच्छा, मैं अभी ला के देता हूँ। मुझे तो पहले ही देर हो रही है, 9:30 बजे इंटरव्यू पे पहुँचना है, लेकिन अब इन्हें भी तो प्यासा नहीं छोड़ सकता। ये लो बाबा जी, पी लो पानी। जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह खुश रखे तुझे, हमेशा कामयाब करे। आमीन। आज मेरा इंटरव्यू है सामने वाली बिल्डिंग पे, दुआ कीजिएगा बेहतरी हो मेरे लिए। काफ़ी देर से हूँ नौकरी की तलाश में। इंशाल्लाह मेरा मालिक करम करेगा, तुम फिक्र मत करो। जी अच्छा, मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। इंटरव्यू हो गया क्या? मेरा तो हो गया है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि बहुत ही स्ट्रिक्टली जज कर रहे हैं बॉस। मैं तो हूँ भी टॉपर, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता ये आज किसी को रखेंगे। अच्छा चल, अब आ गया हूँ, वापस कैसे जा सकता हूँ? चलो किस्मत जमाने में क्या हर्ज है। हाँ, जब मुझे नहीं रखा तो इसको कैसे रखेंगे? सर ये मेरी फाइल, इसमें मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। अरे सर, आपने फाइल साइड पे क्यों कर दी? बिना देखे कैसे इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू तो तुम्हारा हो चुका है। ये लो बाबा जी, पी लो पानी। जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह खुश रखे तुझे, हमेशा कामयाब करे। आमीन। आज मेरा इंटरव्यू है सामने वाली बिल्डिंग पे, दुआ कीजिएगा बेहतरी हो मेरे लिए। काफ़ी देर से नौकरी की तलाश में हूँ। हमारा वेलफेयर का अदारा है, लोगों का एहसास और लोगों की मदद ही हमारा काम है। जिसका प्रैक्टिकल देख लिया हो उसके इंटरव्यू की क्या ज़रूरत? अच्छा तो सर क्या मैं जॉब पक्की समझूँ? 100% पक्की, बल्कि तुम कल से ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वाकई सही कहते हैं, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। ये मैंने उसकी मदद नहीं की, बल्कि अल्लाह ने उसके वसीले से मेरा काम करना था। वाह मेरे मालिक, तेरे मामलात कैसे कैसे अपने बंदे को नवाजता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की सलाह हो जाए।